एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी भूली ए ब्लॉक गजब चौक पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर धूमधाम से गणेश पूजा का आयोजन किया गया। इस भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने संध्या आरती में पूजा अर्चना कर भूलीवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। आपको बता दें कि यह गणेश पूजा गजब चौक स्थित लाला स्पोर्ट्स क्लब के गुरुचरण सिंह, कैलाश गुप्ता, दिनेश साउथ, लाला स्पोर्टिंग क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से गणेश उत्सव की भक्ति को लेकर लगातार भूली का सबसे बड़ा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। लारा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आज गणेश भगवान की प्रतिमा बैठा कर लगातार पूरे 25 साल पूरा कर अपने आप में भक्तिभाव का अनूठा प्रदर्शन किया जाता है। लगातार 25 वर्षों से यहां पूजा हो रही है। यहां गणेश भगवान की प्रतिमा का विधिपूर्वक पूजा अर्चना किया जाता है और यहां तक कि पूजा समिति के लोगों का कहना है गणेश भगवान से जो भी मुरादें मांगते हैं उन्हें निश्चित तौर पर पूरा होता है। और पूजा के पहले दिन संध्या आरती की गई जहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु गणपति वंदना कर अपनी अपनी मनोकामना मांगे। गणेश पूजा समिति के कैलाश गुप्ता ने बताया कि सन 1997 से निरंतर गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भगवान गणेश की महिमा है कि भक्तों की मन्नत पूरी होती है और भक्त गणेश की प्रतिमा विधि विधान से स्थापित करते हैं। हर साल कोई भक्त यहाँ गणेश प्रतिमा में सहयोग करता है। वहीं गुरुचरण सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र के गणेश उत्सव से प्रेरित होकर पहली बार 1997 में गजब चौक पर गणेश उत्सव मनाया गया और उसके बाद से लगातार यह पूजा हो रही है। पूजा को सफल बनाने में दर्जनों सदस्य लगे हुए हैं। गणेश पूजा के आयोजन में कैलाश गुप्ता, दिनेश के, श्री गुरुचरण सिंह, अंबर कलश तिवारी, विकास पांडे, अविनाश पांडे, धनजी यादव, प्रशांत बावरी, राजू सिंह, गुड्डू, नित्या सिंह, रवि, विक्कू, सुखदेव पंडित, नीरज, अमित पासवान, अमर तिवारी, प्रवीण बावरी, प्रवीण शर्मा, अखिलेश यादव और छोटी रवानी का सराहनीय योगदान है। आज 25 वर्षों से गणेश उत्सव को आपने सफल किया है, इसके बारे में हमें छोटा सा जानकारी चाहिए। इसमें जानकारी ये है कि मैं गया था मुंबई घूमने के लिए, तो मैं मुंबई घूमने के गया था, वहाँ बहुत मुझे अच्छा लगा कि पूजा करना चाहिए, तो हमने यहाँ पर आके स्टार्ट किया पूजा को सारे के सहयोग से। आज 25 साल कुछ मेरी सहयोग नहीं है, ये पूरे परिवार का आप पूरे मतलब पूरे जितने भी हमारे हैं ना परिवार लोग इस सारे के सहयोग किए हम लोगों को। 25 साल की पूजा सफल हुआ हम लोगों का। आगे और इस पूजा के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? पूजा क्या करना, देखिए जो भी यहाँ पे आते हैं सबकी इच्छा पूर्ति होती है इस पूजा में, हम लोग की इच्छा पूर्ति ही है, इसलिए हम लोग एकदम श्रद्धा से लगे रहते हैं। इस गणेश उत्सव को मनाने के लिए आप लोग किन किन आदमियों का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें? इसमें देखिए हम लोगों का ये सभी का योगदान रहा, हम लोगों का जैसे कैलाश जी हैं, दिनेश जी हैं और बहुत सारे, संतोष झा हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सबका नाम देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे इस गणेश उत्सव में सबको साथ दिए हैं कम्प्लीट एकदम। पहली बार कितने ईस्वी में आपने ये पूजा को शुरुआत किया था? हम लोग शुरू में हम गए थे 1996 में यहाँ मुंबई गए थे, हम पूजा वहाँ अच्छा लगा तो स्टार्टिंग जो किया हम लोग 1100 रुपये से। आपका नाम? गुरचरण सिंह। गणेश पूजा सर्वप्रथम किस वर्ष में आपने मनाया था? गणेश पूजा 1997 से चालू है। क्या मान्यता है इस गणेश पूजा का? मान्यता ये है कि हमारे एक मित्र बॉम्बे गए हुए थे, वो आए, वहाँ धूमधाम से पूजा होता है और हर कलाकार लोग बहुत मन से पूजा करते थे, तो हमारे पास आए, बोला कि कैलाश हम लोगों को यहाँ गणेश पूजा करना है। तो उस समय हम लोगों ने बच्चा थे, उस समय उम्र भी कम थी, तो हम लोग इसको तैयार हो गए और भूली के तमाम लोग जो है इसका सहयोग किए, जो आज 25वां साल हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय पूजा कमेटी के सभी कार्यकर्ता का है जो आज 25वां साल भी हमें अध्यक्ष के रूप में रखे हैं और गणेश जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और इसमें खास बात यह है कि जब से हम लोग पूजा कर रहे हैं तब से प्रतिमा किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, वो खुद आते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि इस बार हम लोग गणेश जी की प्रतिमा देंगे। तो हम लोग बहुत सारे दानकर्ता आते हैं तो कभी कभी हम लोग लॉटरी करा करके गणेश जी की प्रतिमा लेते हैं। इस साल हमारे
एक भाई को नौकरी मिला, वो 3 साल गछे थे, तो 2 साल वो दे चुके हैं और इस अगला साल भी वही देंगे। क्या नाम हुआ? कैलाश कुमार गुप्ता, भूलिए ब्लॉक।